कल 27 जनवरी थी और मैं अखलाक का गांव विसाहड़ा और उसके नज़दीक का शहर दादरी अपना कैंपेन लेके गया था। इन दिनों में एक फ्लायर बांट रहा हूँ जिसका टाइटल है आत्मा को साफ करो, अधर्म रोको, आज़ादी का सपना पूरा करो। और इसका कंटेक्स्ट ये था कि कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले धर्म संसद में कुछ लोगों ने हथियार उठाने और मुसलमानों के नरसंहार की बात कही थी। तो मैं इस बात को उठा रहा था कि धर्म का काम इंसान को इंसान बनाना है, नफरत और घमंड ये दोनों इंसान के अंदर गंदी चीज़ें हैं और जब वो पॉलिटिकल वेपन बन जाती हैं तो उससे बहुत तबाही पैदा होती है। इसी बात को मैं लेके गया था। जैसे दादरी पहुंचा मैं करीब 12:30 बजे दिन में, तो पर्चे बांटता हुआ जब मैं कारीगरों को, सब्जी बेचने वालों को, फल बेचने वालों को, सड़क पे चलने वालों को, कुछ स्टूडेंट्स भी उसमें थे और ज़्यादातर बुजुर्ग थे, उनको पर्चे दिए तो बहुतों को बात पसंद आई। कई लोगों ने, जब मैंने कहा कि नफरत मिटाने वाला पर्चा है पढ़िए, लोगों ने कहा बहुत आप काम अच्छा कर रहे हैं। और जब 4-6 लाइनें पढ़ी तो पीछे से कहा कि भाई आपने अच्छा काम किया। कुछ लड़कियों ने तो मुझसे पर्चे मांगे, औरतों ने कि हमें भी दे दीजिए, आप काम अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा करते हुए मैं जा रहा था तो एक गाड़ी मिली, गाड़ी में मिली तो इसमें एक बहुत ही पढ़े लिखे से या संपन्न आदमी नजर आए। तो मैंने कहा हमारा पर्चा पढ़ें, नफरत मिटाने पे है। बोले मैं तो नफरत को ठीक मानता हूँ, मुझे चक्रवर्ती पसंद नहीं है। मैंने कहा कि वो तो ठीक है आपका कहना, लेकिन जन्म से तो आप भी सेकुलर ही होंगे, लेकिन अब मैं अपने आप को कल्टिवेट तो कर सकता हूँ। वो बोले अपनी का जरूर करें, ऐसा कह के मैं आगे चला गया। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। बाकी लोगों से बातचीत करता गया तो ज़्यादातर लोगों ने हमारी बात को पसंद किया। जहाँ मैंने देखा कि 4-6 लोग बैठे हैं तो मैंने अपनी बात को तफसील से रखा और उनको बात पसंद आई। का जगह मैंने गज़ल भी गाई, दरबारे वफा गज़ल जो पर्चे में मैंने लिखी है वो मैंने धुन बताई लोगों को, लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं 1-1.5 घंटे पर्चे बांटने के बाद बिसाड़ा की तरफ निकला। बिसाड़ा वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पे एक गांव है। एक टेम्पो जा रहा था लेकिन उसमें पूरा भर गया था, अगले के लिए सवारियाँ आने में देर लगती, तो मैं पैदल चला करीब 1.5 किलोमीटर। कुछ पर्चे भी बांटता गया, लोगों से बातचीत करता गया। जब मैं करीब 1.5 किलोमीटर गया तो एक लड़का मोटरसाइकिल पे आया, मैंने उसको हाथ दिया और उसने गाड़ी में मुझे बिठा लिया। 12वीं क्लास में पढ़ता है वो, उसी गांव का था बिसाड़ा का, मुझे ले गया। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल के गांव गया, जिस प्रिंसिपल के स्कूल में संग्राम सिंह हाई स्कूल है उसका एक कमरा उन्होंने अखलाक को दे रखा था। अखलाक वो लड़का था, वो आदमी था जिसकी लिंचिंग हुई थी करीब 5 बरस पहले। उस वक्त तो मैं गांव गया नहीं था, उसके 9 महीने बाद गया था। और इस एतबार से गया था मैं गांव में कुछ 2-4 लोग तजवीज़ करूं जो इस बात से दुखी हों और कोशिश करें कि आइंदा ऐसी घटना न घटे। तो इसी एतबार से मैं आज फिर गया, कल फिर गया था कि मैं इस गांव के लोगों का जहन बदलने में, जिनकी दिलचस्पी है ऐसे लोगों से संपर्क करूं। तो सबसे पहले तो मैं उन प्रिंसिपल साहब के घर गया, राम कुमार साहब के घर, लेकिन वो मिले नहीं। उनको फ़ोन किया तो बताया कि किसी की गमी हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो उसके जनाजे में गए हैं वो। फिर उनके परिवार में मैंने किताब, अपनी पत्रिका और फ्लायर छोड़ दिया और मैं आगे गया। गया तो उनके भाई मिल गए, उन्होंने कहा भाई अखलाक तो बहुत अच्छा आदमी था, हमारा ध्यान दोस्त ही था, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। ना उनने आगे एलेबोरेट किया ना मैंने आगे पूछा, लेकिन हम समझ गए थे कि इस इलाके में जो दुष्प्रचार किया गया है कि अखलाक के पास गाय का, घर में गाय का गोश्त था, तो शायद ये बात उनके दिमाग में टिकी हो सकता है ना भी हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये परसेप्शन मिटा नहीं है। जो सांप्रदायिक ताकतें एक शक पैदा कर देती हैं वो शक लंबा टिकता है, और उसकी वजह से लोगों का दिमाग नफरत और जुनून को टिकाता है। ये बात मैं हमेशा से महसूस करता रहा हूँ, इस बार भी मुझे एहसास हुआ कि वो चीज़ पूरी ख़त्म हुई नहीं है। खैर आगे बढ़ा तो आगे गया तो अखलाक के घर की तरफ ही जा रहा था, तो रास्ते में 7-8 लोग बैठे थे एक जगह, और एक साहब बैठे थे वो
उनका पोलियो की प्रॉब्लम थी, तो एक गाड़ी में बैठे थे। तो मैंने कहा कि हमारा एक पर्चा लें, इंद्रों में एक पर्चा दे रहा हूँ, नफरत मिटाने पे है। तो वो बुज़ुर्ग थे, 60 साल के होंगे, बोले क्या बात है इस पर्चे में। तो मैंने कहा कि धर्म संसद हुई थी एक अयोध्या में, उसमें हरिद्वार में, और उसमें अच्छी बातें गलत बातें कही गई, तो बोले पर्चा दीजिए। पर्चा लिया, उन्होंने पूरा पर्चा पढ़ा A to Z। बोले आपने इसमें मस्जिद का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा वो मेरी गलती रह गई, क्योंकि मैंने एक जगह लिखा था एक वाक्य में कि वो मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे, इसमें मस्जिद मेरी गलती, मैंने प्रूफ रीडिंग में गलती रह गई, वो चूक गया। तो मैंने कहा वो मेरे से गलती हो गई, तो आपकी बात सर आँखों पे। हमने कहा और कोई एतराज तो नहीं? बोले नहीं पर्चा ठीक है आपका, आपने ठीक लिखा है कि सरकार को सरकारी खजाने से धर्म स्थानों के निर्माण पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। फिर बोले कि लेकिन सरकार को मौलवियों को पैसा भी, तनख्वाह भी नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड से आती है, और वक्फ से की प्रॉपर्टी से सरकार को आमदनी भी होती है। तो ऐसा करके खैर बातचीत हमारी चली, तो जाहिर था कि वो काफ़ी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ BJP थे, उनके साथ में जो बैठे लोग थे वो भी, लेकिन फिर भी वो मेरी बात का प्रतिवाद नहीं कर पाए। फिर मैंने कहा अच्छा मेरी गज़ल सुन लो, और जब मैंने गज़ल सुनाई दरबार वफा में, जब एक दिन सब लोग बुलाए जाएंगे, वो मंजर क्या मंजर होगा, सब भेद भुलाए जाएंगे, इसके मैंने दो ही अंतर सुनाए, दो शेर सुनाए, और लोगों को ठीक लगे। उनके अलावा बाकी लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे और दूर दूर से सुन रहे थे, उनको भी अच्छा लगा। फिर मैं आगे बढ़ता चला गया और गांव में पर्चे बांटता हुआ, लोगों से बातचीत करता हुआ, अपनी पत्रिका भी दी मैंने लोगों को, देता हुआ चलता गया आगे। फिर मैं अखलाक के घर गया, तो अखलाक का घर तो बंद था, उसके भाई का घर भी बंद था। लोगों से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि वो घर तो, अखलाक का परिवार तो दिल्ली में रहता है, एक लड़का एयरफोर्स में नौकरी करता है, भाई भी कहीं और सेटल कर गए। मैं जान गया कि खौफ की वजह से लौट नहीं सके लोग गाँव में, और तकलीफ हुई मुझे। उनके पड़ोसी से जो मैं पिछले 2-5 साल पहले जब गया था तब मिला था, वो आदमी ठीक था, लेकिन वो उससे मुलाकात हुई, उसके लड़के से मुलाकात हुई। ये वो आदमी था जिसके भतीजे को मारने वालों के नाम पे जो लोग बंद किए गए थे, वो उनका भतीजा भी था, लेकिन उसने कहा था उसके चाचा ने लड़के के कि भाई काम तो गलत किया इन लोगों ने। तो मुझे उस आदमी से मिलने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन जब मैं लौटकर वहाँ से आया गली के बाहर, तो एक जगह होंगे 7-8 लड़के बैठे थे, और हमने कहा तुमसे बात करनी है। तो बोले आइए बैठिए, चारपाई पे बिठा लिया उन्होंने मुझे, और मैंने कहा कि भाई मैं एक पर्चा बांट रहा हूँ, ये नफ़रत मिटाने के ऊपर है, और नफ़रत एक जहर है। तो बोले एक लड़के ने कहा, उसका नाम था लोकेश, बोले क्या आप जरा थोड़ा और बताएं। तो फिर मैंने अपने बारे में जब बताया कि अमेरिका में मैं रहता था, और किस तरीके से इसराइल ने जब हमला किया लेबनान पे 1982 में, तो उस बात का जब मैंने जिक्र किया, हमने कहा कि साम्राज्यवाद अभी मरा नहीं है, नफरत उसका इंस्ट्रूमेंट है, आज शोषण का भी इंस्ट्रूमेंट है। तो उस शख्स ने, उसको पता था उसके बारे में, ये लड़का 9वीं तक पढ़ा है, जब 9वीं में पढ़ता था इसके अब्बा का इंतकाल हो गया, मर गया है उनके पापा, और तब से जिम्मेवारी परिवार की निभा रहा है। बीच में उसने कुछ नौकरी भी करी एज ए कंपाउंडर, अब लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया उसका, लेकिन उस लड़कियों को समझदारी थी। कॉन्गो के बारे में भी मैंने जब जिक्र किया, उसके लिए सांप्रदायिकता के जहर का एहसास था, और मुझे इतनी उतना सुकून मिला उसकी वजह से। बाकी 8 लड़के जो थे उनको अच्छा लगा मेरा बोलना, और इसलिए मैं वहाँ पर एक सामने के मकान से एक साहब और आ गए, वो भी इस गांव में 60% से ऊपर आबादी ठाकुरों की है, राजपूतों की, एक राजपूत भी आ गए। उन्होंने भी जब मेरी बातें सुनी उनको भी दिलचस्पी हुई, और उन्होंने कहा कि थोड़ा और वृत्तांत से बताइए। तो मैंने बताया, तो आधे घंटे मेरी उनसे चर्चा हुई, फिर उन्होंने मेरा एक गज़ल भी सुनी, और मुझे बड़ा सुकून मिला। ये तो मैं नहीं कह सकता कि इनका दिल बदल सका मैं, लेकिन दिल में जगह जरूर बनी। फिर वो लोकेश मुझे मुस्लिम बस्ती ले गया, एक सैफी परिवार से मुलाकात हुई, और उनसे बात करके मुझे बड़ा सुकून मिला। खैर पूरे
कुछ और जगह औरतें थीं तो औरतों को मैंने गजल सुनाई, उनको भी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि इस गांव में बहुत खतरनाक घटना हुई थी, लेकिन फिर से काम करने की ज़रूरत है और लोगों की रूह जगाने की ज़रूरत है। शाम को 5:30 बजे मैं गांव से निकला, लोकेश मुझे दादरी छोड़ गए और फिर मैं वहां से दिल्ली आ गया। ये बात मैं इसलिए आप लोगों के सामने रखी कि हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।